मैं आपको बता चुका था कि मैंने एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट खत्म कर दिया है इस पूरी क्लास में। मेजर पार्ट जिसको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, मैंने पढ़ा दिया है रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। मैंने बहुत कोशिश करी और अब मैं सोच रहा हूं कि इसको एक लेवल अप लेके जाना चाहिए और जाएंगे भी, डोंट वरी जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो पढ़ाया था लाइट। आपकी क्लास में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम का एक चैप्टर है जिसमें हम करने वाले हैं कुछ कुछ स्टडी ऑफ लाइट। क्या करने वाले हैं? कुछ स्टडी ऑफ लाइट। और ये जो स्टडी ऑफ लाइट है ना बेटा, इस स्टडी ऑफ लाइट को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्टिक्स। क्या कहा जाता है यश? ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स। फिर हमने इसके दो नेचर देखे। मैंने बहुत डेप्थ में बात कर ली तो मैं इसमें बात नहीं करूंगा, मैं बस इसको कैटेगराइज कर दूंगा। एक देखा था वेव नेचर और एक देखा था पार्टिकल नेचर, है ना वेदिका? एक देखा था वेव नेचर और एक देखा था पार्टिकल नेचर। मेरे प्यारे बच्चों, वेदिका मैं जिससे भी बात करूं, हाँ मैं क्योंकि वेदिका पे इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि वेदिका एक नई बच्ची है, बाकी बहुत सारे बच्चे मेरे पुराने जुड़े हैं। तुषार एक नया है लेकिन स्कूल में पढ़ता है। तो बेटा टेंशन मत लो, मैं आप लोगों से इसलिए पॉइंट करके बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है, और मेरे से कनेक्शन बना रहे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुई थी और इसी में ऑप्टिक्स की स्टडी, जब वेव नेचर की स्टडी करी तो हमने उसी को बोल दिया बेटा वेव ऑप्टिक्स। क्या बोला? वेव ऑप्टिक्स। और फिर उसके बाद पार्टिकल नेचर की स्टडी को बोला रे ऑप्टिक्स। और मेरे खूबसूरत बच्चों, हम इसी रे ऑप्टिक्स को क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। अब रे क्या है? जैसे एक सोर्स हमारे सामने आता है लाइट का, मान लीजिए एक सोर्स हमारे सामने आता है, ये लाइट सोर्स है सन। क्या है? लाइट सोर्स है सन। अब ये सन तब बनेगा जब इसको बनाया जाएगा, तो हम बनाते हैं, डोंट वरी, हम इसको बनाते हैं सन। एक मिनट, तो सबसे पहले तो सन बनाने की विधि आपको बता देता हूँ। ये मैंने बनाई और ये मैंने इसको फिल कर दिया। अब मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। क्या बना रहा हूँ? ये सन बन गया, ठीक है। अब ये सन से कुछ छोटे छोटे नन्ने 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 मुन्ने नन्ने मुन्ने नन्ने मुन्ने कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एनर्जी पैकेट। क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में ये निकलते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। कैसे मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ये एनर्जी पैकेट जब सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में जब मूव करते हैं तो ये करते हैं रेक्टिलिनियर। क्या करते हैं? रेक्टिलिनियर। क्या करते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या करते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करते हैं, मतलब सीधा 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 जाते हैं। और ये सीधा सीधा जाते हैं ना बेटा, इनके पास एनर्जी होती है, इनको छोटे छोटे एनर्जी पैकेट बोलते हैं। और इनका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी अपनी छोटी थ्योरी, और छोटी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में इसी का नाम क्वांटा बोला गया था और इसी के बाद इसी को बोला गया फोटोन। और आपने यहीं से स्टार्ट करा एक शब्द बोलना, फोटोग्राफी। फोटो मतलब लाइट,
फोटोन मतलब लाइट के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट जिनको क्वांटा बोला जाता है। अब लाइट जा रहा था बहुत स्ट्रेट लाइन में, सीधा सीधा जा रहा था। जब ये सीधा सीधा छोटे छोटे एनर्जी पैकेट जा रहे थे तो इसके इसको जाने के लिए किसी रास्ते की तो जरूरत है ना, मीडियम की तो आवश्यकता है। तो हमारे पास आए मीडियम, और उन मीडियम्स में हमारे पास तीन प्रकार के मीडियम मिले। एक था ओपेक मीडियम, एक था ओपेक मीडियम, एक था ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक था ट्रांसपेरेंट मीडियम और एक था ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। कैसा था? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। अब ओपेक मीडियम एक ऐसा मीडियम जो कि जब लाइट को जाने देता है तो लाइट को जाने ही नहीं देता है, वो लाइट को ब्लॉक करके रखता, अपने अंदर से पास नहीं होने देता। कभी तुमने देखा है ओपेक मीडियम? हाँ, मुझे देख लो, मेरे अंदर से लाइट आर पार हो रही है? नहीं हो पा रही है। और जब भी लाइट का पाथ रुकता है, जब भी कोई ओपेक मीडियम उसके सामने आता है लाइट के, तो वहां बनती है उस लाइट की शैडो। तो लाइट का शैडो उतने पार्ट में बन जाता है जितने पार्ट में ओपेक मीडियम उसको जाने नहीं दे रहा। ये है असली ख्याल। फिर शैडो नहीं बनती है तो ट्रांसपेरेंट, थोड़ी शैडो बनती है थोड़ी नहीं बनती है, क्लियर शैडो नहीं बनती, एक शार्प शैडो नहीं बनती है, तो क्या बनेगा? एक वो मीडियम क्या होगा? वो होगा ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। और यहां से आए हमारे पास ओपेक मीडियम के विभिन्न प्रकार के कैटेगरी, और पहली कैटेगरी थी मिरर। और हमने बात करी खूबसूरत से मिरर जिसका नाम था प्लेन। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे बनता है आपको सभी को पता है। प्लेन मिरर के पीछे कर देते हैं कोटिंग और सामने रहता है पॉलिश, और सामने को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब देखा गया कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसकी इमेज अंदर बनती है, उस इमेज को हमने कहा कि भाई क्या ये रियल इमेज है? नहीं सर, ये वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल इमेज है क्यों? ये वर्चुअलिटी में है। क्यों है? क्योंकि जब लाइट रेस जाती हैं तो ये यहाँ से ऐसे आती हैं और यहाँ से बनता है इसका नॉर्मल। ये हो गया थीटा, तो ये भी हो गया थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। और यहाँ से भी सीधा निकल गया क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि u किसके बराबर है? v के बराबर है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। क्या मेरी बात समझ में आई? त्रिशा बोले वेरी गुड। अब एक आता है सवाल फेंकने वाली बात, तो सवाल फेंकता हूं। पहला सवाल फेंकता हूं तुम्हारे साथ सामने कि अगर एक मिरर है और मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर की दूरी पर है। चलो मैं इसको लिख ही देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे सर इतना कंजूसी कर रहे हैं पढ़ाने में कि लिख भी नहीं रहे। तो पहला सवाल फेंक रहा हूं आज और आपके दिमाग के पत्ते खोल देगा वो। पहला सवाल है कि एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट मूव्स 6 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। If the object moves 6 meter towards the mirror, then what is the distance between object and image? ये खूबसूरत बात है बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी से ट्राई करो। प्रियदर्शनी आपको आंसर देना है। मैंने कहा इंटरैक्टिव रहेगी। यस सर।
जल्दी आंसर करो बेटा। हाँ 24, ठीक है। और वेदर्शनी आपका है? 48, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। गुड, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, वेरी गुड। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है इधर? अब ऑब्जेक्ट अगर 30 पर है तो वो कहाँ पर आया? 6 मीटर पास आया, तो कितना डिस्टेंस रह गया? 24। तो अब कितना डिस्टेंस रह गया? 24। और अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 24 प्लस 24 इज इक्वल टू, मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, 48 मीटर। कितना होगा? 48 मीटर। एक और क्वेश्चन दूं? एक और क्वेश्चन दूं? एन ऑब्जेक्ट रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 meters per second टूवर्ड्स द मिरर, प्लेन मिरर, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ट्राई करो, ये सवाल एक नंबर सवाल है, जल्दी से ट्राई करो इसको। मैं मौका दे रहा हूं आपको 5 मिनट 6 मिनट सोचने का, जल्दी से ट्राई करो। एक मिरर के सामने, एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा था जिसकी स्पीड कितनी थी? जिसकी स्पीड थी कुछ 5 किलोमीटर पर आर। कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आर। और एक और उसका इमेज भी 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, या मीटर पर सेकंड, जो भी तुमको समझना हो। चलो मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे सर किलोमीटर कहाँ है, मीटर पर सेकंड ले भाई। ये मीटर पर सेकंड और ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। अब इसको ऑब्जेक्ट की स्पीड किसके रेफरेंस में है? मिरर के। और इमेज की स्पीड भी किसके रेफरेंस में होगी? मिरर के। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखूं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इमेज की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 meters per second, क्योंकि दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 meters per second। कितनी हो जाएगी? 10 meters per second। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलिए अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी है, सुन लो, हमने बात करी है सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करी है। किसकी बात करी है? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात करी है। किसकी बात करी है भाई? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा वो थोड़ा लंबा रहेगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब मान लीजिए मैं खड़ा हो जाता हूं, मान लो मैं खड़ा हो जाता हूं, तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मिरर बना लेते हैं। तो ये मिरर है हमारा, बढ़िया। ठीक है, ये मिरर है और ये हमारा रेफरेंस लाइन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट का हेड है। अब क्या है सवाल? सुन लो, सवाल सुन लो, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ मिरर
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ मिरर, कितनी लेंथ होगी इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच वॉन्ट टू सी हिमसेल्फ कंप्लीटली, वॉन्ट टू सी हिमसेल्फ कंप्लीटली. क्या पूछना चाह रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो सुन लो. एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर के सामने खड़ा हो गया, कुछ डिस्टेंस या कितने भी डिस्टेंस पे खड़ा हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है. वो उस ऑब्जेक्ट को, उसको खुद को ही पूरा देखना है उस मिरर में, इस मिरर में अपने आप को पूरा देखना है. क्या देखना है? पूरा, कंप्लीटली, ऊपर से नीचे तक पूरा देखना है. तो इस मिरर की लेंथ कितनी रखूं? अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ है h कैपिटल, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ h कैपिटल है तो मिरर की लेंथ कितनी रखूं? जरा सोचो इसके बारे में, बस सोचो, सोचो इसके बारे में. कितनी रखना पड़ेगी मिरर की लेंथ, सोचो. यह है थोड़ा सा अप लेवल, हायर लेवल, थोड़ा ऊपर गया है क्वेश्चन. बोलो भाई, त्रिशा बोलो, कितनी रखेंगे? त्रिशा सोचोगे? ठीक है, तो सोचते रह जाओगे. अब देखो ध्यान से, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट सामने खड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे. हमने माना कि ये डिस्टेंस हमको पता है, हमने कहा ये एक्स डिस्टेंस पर खड़ा है. क्या खड़ा है? एक्स डिस्टेंस पर खड़ा है. अभी हमको ये पता है कि ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, हेड, और ये इस ऑब्जेक्ट का फुट. ये फुट है, ये हेड है, ये फुट है, ये हेड है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इसकी इमेज बन जाएगी. तो हमने बना दिया उतनी ही बड़ी इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी हमने उसकी इमेज बना दी, और जितनी दूर ऑब्जेक्ट था उतनी दूर हमने इमेज बना दी. ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ऑब्जर्वर भी है, तो ये क्या है सोचो, ये क्या है, ये बीच में क्या है? अरे बीच में क्या होगा? आईज. बीच में ये है आईज. क्या है बीच में? क्या है? आईज. क्या है? आईज, जो इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को मतलब खुद को मिरर में देख रही है. अरे बोलो ना यार. ठीक है, अब ये जो देख रही है, ये जो आंखें देख रही हैं, वो क्या देख रही है? इस ऑब्जेक्ट का टॉप और इस ऑब्जेक्ट का बॉटम. क्या देख रही है? इस ऑब्जेक्ट का टॉप और इस ऑब्जेक्ट का बॉटम देख रही है. ठीक है, ऊपर से नीचे तक देख रही है. अब सोचो कि इस आंख को ये लग रहा है कि रेज कहां से आ रही है? अंदर से, मिरर से आ रही है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आंखों में जा रही है, और ऐसे ही ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों के पास जा रही है कि नहीं? बोलो, है ना? अरे बोलो ना यार, है कि नहीं? अब हमको जो मिरर चाहिए, हमको जितना पार्ट चाहिए मिरर का, वो कितना है? वो ये लाल है,
ये लाल हो गया है वो पार्ट, जितना हमको पार्ट चाहिए मिरर का कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो सिर्फ इतना लाल वाला पार्ट है, सिर्फ लाल वाला पार्ट है, लाल वाला पार्ट हमको चाहिए, है कि नहीं? अब ये लाल वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी वो बताना है, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है h, तो बेटा इस पर्टिकुलर इमेज की भी हाइट कितनी हो जाएगी h। अब यहां से सॉल्व कैसे करना वो देखो, यहां पर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे सामने के सामने, तो बेटा ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? Yes, है ना। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, मैं शेड कर रहा हूं, एक ट्राइंगल ये छोटा वाला और ये ट्राइंगल बड़ा वाला, अगर इसको ए मान रहे हो, आंखों को बी मान रहे हो और फुट को सी मान रहे हो या डैश मान रहे हो, ए डैश बी डैश सी डैश, और यह है ए, यह है बी और यह है सी, तो एक बार बताओ ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया पी, ये पॉइंट जो हो गया वो हो गया क्यू, और ये पॉइंट जो हो गया आर। हमको एक्चुअली में पी आर की लेंथ निकालनी है, अगर हमने पी आर की लेंथ निकाल ली तो हमको यह समझ में आ जाएगा, हमको पी आर की लेंथ अगर हमने निकाली तो हमको यह समझ में आएगा कि कितना लेंथ का हमको मिरर मिनिमम चाहिए, बोलो हाँ। वेरी गुड। अब एक बात बताओ कि अगर आपके पास ये सामने एक ट्राइंगल है और एक सामने ये चीज है, ये है पी क्यू, बिल्कुल ध्यान से देखना, और ये है बी और ये है ए डैश और ये है बी डैश, सोच के देखो कि ये दोनों बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो एक एंगल तो मिल गया और दूसरा एंगल दोनों में कॉमन है, तो बाय ए ए वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, होंगे कि नहीं होंगे? थोड़ा ऊपर जा रहा है क्या, ज्यादा हाई है? त्रिशा बोले yes, sir, थोड़ा। छोड़ दो, अगर ऐसा लग रहा है तो छोड़ दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपने क्लास नाइन्थ में सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी ना, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी ना अभी तक? नहीं, कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करवाने के बाद ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे, इसको अभी इसको होल्ड पे रहने दो, क्या कर दो, होल्ड पे रहने दो, ठीक है, और जब हम सिमिलैरिटी पढ़ लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, हलवा हो जाएगा सवाल, इसको लिख लो इतना और फिर हम अगले करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, सिमिलैरिटी पढ़ाने के बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लिख लो।